हरियाणा का चुनाव आ रहा है तो इसलिए निशाना तो लगाना है। अगर चुनाव में पहले तो वही आपको राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण, धर्म और आरोप, अगर ये नहीं रहा तो फिर लोग सवाल करेंगे रोजगार की, उत्पादन की, इकोनॉमी की। वो सवाल ना आए तो यही दूसरा नैरेटिव भी चलता रहे। अभी भी देखा हमने, वही फिर हो रहा। जो हमने पहले आप लोगों के माध्यम से देश को सचेत करने का प्रयास किया था, वो बात अब सही रूप में उसका पुष्टिकरण हो चुका है। भारत एक गहरे आर्थिक संकट में है। देश के सामने अभूतपूर्व वित्तीय संकट है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। विकास के, प्रगति के सब मानक नीचे हैं। भारत की जीडीपी निरंतर गिर रही है। पिछला जो क्वार्टर था, तिमाही, पिछले साल का Q4 जिसको कहते हैं, वो 5.8% भारत की जीडीपी बढ़ी थी। इस वित्तीय वर्ष का पहली तिमाही जिसको Q1 कहेंगे, शुक्रवार को 30 तारीख को 12 बजे तक वो आंकड़े सामने आएंगे, उसकी जो आकलन है, प्रोजेक्शन है, वो 5.6% है। पिछले 7 वर्षों का सबसे कम। हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हिंदुस्तान का है वो 2% पर है, और उद्योग का उत्पादन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, वो 1.2% है। भारत की करेंसी, हमारा रुपया, लगभग 4% अपनी कीमत हाल में खो चुका है, और पूरे एशिया की जो सबसे बदतर परफॉर्मेंस है किसी करेंसी की, वो भारत के रुपए की है। अधिकृत रूप से बेरोजगारी 8.2% पे पहुंची है। वास्तविकता में भारत में बेकारी 20% से ऊपर है। कोई भी अर्थशास्त्री जो इसके बारे में ज्ञान रखते हैं वो इसकी पुष्टि करेंगे। जो बड़े निर्माण के, औद्योगिक निर्माण के सेक्टर हैं, वो संकट में हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहां पैसेंजर व्हीकल्स हैं, कार है, SUVs हैं, वो लगभग 29% उनका उत्पादन कम हुआ है, और उसी अनुपात में मांग भी टूटी है। मांग कुछ प्रतिशत कम टूटी है, बाकी इन्वेंट्री इंडस्ट्री के पास है। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो 26.4% उत्पादन टूट गया है। टू व्हीलर जो होते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, वो भी 14% नीचे चले गए। केवल ये उत्पादन से जुड़ा हुआ संकट नहीं है जो सरकार बात नहीं कर रही, ये NBFC का जो क्राइसिस था ये उससे भी कहीं जुड़ा है। लोगों को कर्जे भी नहीं मिल रहे खरीदने के लिए, टू व्हीलर खरीदने के लिए। जब कर्जा नहीं मिलेगा तो बाजार में मांग टूटती है, तो डिमांड सप्लाई की बात नहीं है, डिमांड टूटी है, और साथ के साथ कंजम्पशन टूटी है। और कई सेक्टर हैं जिस तरह टेक्सटाइल, कृषि के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होता है, उस सेक्टर ने अखबारों में पूरी एडवर्टाइजमेंट देके टेक्सटाइल एसोसिएशन ने एक तरह से SOS के रूप में देश को दिया है जो उनकी स्थिति है और संकट है।
यहाँ तक कि जो गरीबों के इस्तेमाल में आते हैं, जो बिस्किट बनाने वाले, चाहे पार्ले है, ब्रिटानिया है, उन्होंने भी हज़ारों मजदूरों को, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, उनको निकाल दिया है। देश का निर्यात वहीं है जहाँ था, जहाँ 5 बरस पहले था, उसी वहीं घूम रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। और अगर आप देखें कि सरकार का घाटा चल रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है निवेश करने को, बैंकों के पास पैसा नहीं है कर्जा देने को, और सरकार ने एक ऐसा निर्णय किया जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो अपने आप में खतरे की घंटी है। कल सरकार का निर्णय कि रिजर्व बैंक, सरकार का मतलब कि रिजर्व बैंक के बोर्ड का, सरकार के दबाव में, सरकार के कहने पे, सरकार के कहने पर जो कमेटी बनी, जो सेक्शन 7 का नोटिस रिजर्व बैंक को दिया गया, जो पहली बार था, जिसके कारण उस समय के रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, कि RBI का जो एक्सेस है, जिसको हम कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर कहते हैं, CRB, उसको सरकार को दे दिया जाए। दुनिया में कोई सेंट्रल बैंक अपने रिस्क बफर को, कॉन्टीजेंसी रिजर्व को, सरकारों को नहीं देता, पर RBI के बोर्ड ने जलान कमेटी की सिफारिश पर एक साथ 1,76,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय किया। ये तमाम जो सरप्लस था RBI का, वो ट्रांसफर हो गया। पूरी 2018-19 की पूरी आमदनी RBI की सरकार को दे दी गई। कुछ हफ्ते पहले बिमल जालान, जो इस कमेटी के मुखिया थे, हेड करते थे, उन्होंने कहा था कि सरकार को दिया जाएगा, पर 4-5 साल के अंदर दिया जाएगा, किश्तों में दिया जाएगा। अब वो 4-5 साल की जगह एक ही बार में सब कुछ दे दिया गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का पुष्टिकरण होता है, और जैसा मैंने कहा, वित्तीय संकट का भी। और जो ये पैसा सरकार को दिया जा रहा है, वो आपातकालीन स्थिति में देश के काम आने के लिए था, कोई आर्थिक इमरजेंसी हो उसके लिए था, जैसे पहले 2008-2009 का आर्थिक संकट और वित्तीय संकट दुनिया में आया था। तो क्योंकि हमारे पास पैसा था, RBI के पास भी पैसा था, तो देश ने उस समय इंसेंटिव दिए थे, 3% अपनी GDP का पैसा लगाया था, ताकि भारत की इकोनॉमी को दोबारा से प्रगति की रफ्तार पिलाया जा सके, उसके मजबूती ला सके। पर ये जो पैसा दिया गया है, उसमें 1,23,000 करोड़ तो सरप्लस है, जैसा मैंने कहा, पूरी आमदनी, और एक्सेस प्रोविजन किया है इन्होंने 52,637 करोड़ का। महत्वपूर्ण बात ये है, जिस कॉन्टिजेंसी रिजर्व का मैंने अभी जिक्र किया है, तमाम कमेटियां जो पहले बनी हैं इस विषय को लेकर, उन कमेटियों ने उनकी सिफारिश में 8% से कम नहीं होना चाहिए था। कुछ कमेटियों ने तो 12% रखने की बात की। अभी जो RBI के पास था वो 6.8% था, 6.8%, उसको कम करके RBI ने 5.5% कर दिया, जो सबसे कम है। तो 6.8% से कम करके जो न्यूनतम है, मिनिमम, उस पर ले आए, जो सेंट्रल बैंक के लिए सबसे कम जरूरत होती है, कि उससे नीचे नहीं जा सकते, जिस तरह बिलो डेंजर मार्क, वो 5.5% है, वहां पर लाकर खड़ा कर दिया कल इस फैसले के बाद। जितने पुराने गवर्नर हैं RBI के, उन्होंने इसका विरोध किया था पहले भी। डॉक्टर रघुराम राजन ने विरोध किया था, उर्जित पटेल जी ने त्यागपत्र दे दिया। जो अभी पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव हैं, जिनका
तबादला हो गया वित्त मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, और जिन्होंने वीआरएस मांग ली, मैं उनको विवाद में नहीं लाना चाहता, पर उसी कमेटी में उनका डाइसेंटिंग नोट है, उन्होंने इसकी विरोध किया कि पैसा नहीं है, पैसा सरप्लस नहीं दिया जाना चाहिए। जो पुराने गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, डॉक्टर सुब्बा राव हैं, डॉक्टर रेड्डी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, और जो डिप्टी गवर्नर विराल आचार्य हैं उन्होंने इसको विनाशकारी बताया। दुनिया में जब बहुत बड़ा कोई संकट आता है किसी देश पर, तभी इस तरह का फैसला होता है। अर्जेंटीना की सेंट्रल बैंक ने हाल में पैसा ट्रांसफर किया था सरप्लस अपना, और अर्जेंटीना की इकोनॉमी तबाह हो गई। ये जो हालात बने हैं वो रातों रात नहीं बने, वो इस सरकार की, हमारी अर्थव्यवस्था की बद इंतजामी और गलत नीतियों के कारण हुआ है। और ये बद इंतजामी बरसों से चल रही है, जब से मोदी सरकार ने अपना जिम्मेवारी संभाली, और हाल में वो तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती, ना व्हाइट पेपर लाती है, ना लोगों को बताना चाहती है वस्तु स्थिति, पर गंभीर संकट ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। कुछ बातें और भी मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देश को। आपको याद होगा कि पिछले साल जो सरकार ने, मैं पिछले बजट की बात कर रहा हूं 2018-19 का, उसमें जो सरकार ने पैसा खर्चा करना था उसमें इन्होंने 1.5 लाख रुपया काटा, 1.5 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 69,000 करोड़ की सब्सिडी शामिल थी जो गरीबों को जानी थी डीबीटी के में, उसमें 69,000 करोड़ रोक दी, 1.5 लाख करोड़ कटौती कर दी, जो बजट में बजटेड था उसमें। तो एक्सपेंडिचर रिडक्शन इनका जो किताबों में है वो 1,45,000 करोड़ का है। इसके कारण क्या है? हाँ, 1,45,00,000 करोड़ का, वो मैंने आपको सब बताए। पर ध्यान देने की बात ये है कि सरकार का अब बजट बनाने में और इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत बड़ा अंतर है। इस साल का भी जो बजट है, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट पर आधारित है, उसमें जो रेवेन्यू है, राजस्व का एस्टीमेट, वो 17.3 लाख करोड़ है, और इकोनॉमिक सर्वे उसको 15.6 लाख करोड़ बताता है। तो सीधा जो कमी है वो 1,70,000 करोड़ की है। अगर आप परसेंटेज में दें तो रेवेन्यू का जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 9.2% है। ये बजट के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में दिया गया, और इकोनॉमिक सर्वे में 8.2%, यानी कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी का 1%, वो कितना बनता है? 1,70,000 करोड़, और लिया कितना? 1,76,000 करोड़। अब आप समझ गए होंगे, सरकार ने घाटे में है, बजट गलत बना दिया, पिछले साल जो खर्चा करना था और गरीबों को देना था वो उनको नहीं दिया, उसको बंद कर दिया, सब्सिडी का ट्रांसफर बंद कर दिया, आगे आने वाले इनको रास्ता नहीं दिख रहा, सारे मानक मैंने बताए, बहुत बुरी हालत है। इसलिए आरबीआई का पैसा छीन लिया और देश को इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ धकेल दिया। ये बहुत गंभीर बात है।